अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं महक और आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग चना, जो बहुत ही मजे की बनती है। टमाटर हमें चाहिए होगा दो, दही हमारा ये हमारा धनिया है, पेस्ट हमने बना लेनी लहसुन अदरक की, हरी मिर्ची, काली मिर्ची, चिल्ली सॉस ले लेंगे हम थोड़ी सी, ये हमारी लाल मिर्ची आधा चम्मच, जीरा हमारा ले लेंगे आधा चम्मच, गरम मसाला, नमक हसबे जायका, ये है कुटी लाल मिर्च, ये है हमारी मेथी और ये है हल्दी छोटी आधी चम्मच, ये हमारे एक पाव चने हैं बॉयल किए हुए, ये हमारा ऑयल है आधी कटोरी और ये हमारी आधा किलो चिकन है और ये है पानी, चने का उबला हुआ चना होता है ना, उसका पानी हमने ज़ाया नहीं किया, वो भी इसके अंदर ही ऐड करेंगे। हम बताते हैं आपको कैसे करना है। और ये देखिए जी, ऑयल डाल दिया इसके अंदर हमने, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर चिकन, डालेंगे हम आधा किलो हमारी चिकन थी जो, हम इसे लाइट सा ब्राउन करेंगे, चम्मच हिलाएंगे अच्छे से, चूल्हे की आग हमने नॉर्मल ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, चम्मच हिलाते जाएं इसके अंदर। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, पर ये थोड़ी पहले थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, ये देखिए चिकन को हम भून रहे हैं, लाइट ब्राउन सा करेंगे, इसका कलर चेंज होने लग गया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे एक से डेढ़ चम्मच के करीब है ये, अच्छे से मिक्सअप करेंगे इसे, हल्का सा भून लेंगे इसे हम। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। बहुत मज़े की ये वाली रेसिपी बनेगी, मुर्ग चना इसका नाम है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही उम्दा बनती है, आप ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाती हूँ और उम्मीद ही आपको भी समझ आती होगी मेरा तरीका जो बनाने का है। ये हम जीरा डालेंगे आधा चम्मच के करीब है, ये हमने डाल दी लाल मिर्च आधा चम्मच के करीब है, ये गरम मसाला आधा चम्मच, ये काली मिर्ची आधा चम्मच, ये हमारी हल्दी पाउडर है, चम्मच हिलाएंगे अच्छे से, और ये था जी हमारा कूटा हुआ जो होता है ना लाल मिर्च वो है, ये नमक हसबे जायका आप रखना अपने हिसाब से, ये हमारी जो है मेथी है, सूखी मेथी होती है ना वो वाली, तो जी ये हमारा है चिली सॉस, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल लें, पर डाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ये बहुत मज़े का इसका जायका बनता है। तो देखिए हम चम्मच हिलाएंगे मज़े के साथ, बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है, अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी, फ्लेम हम नॉर्मल ही रखेंगे इसकी, तेज़ नहीं करनी हमने। ये टमाटर थे हमारे, एक बड़ा टमाटर ले लें वो डाल लेंगे इसके अंदर हम, चम्मच हिलाएंगे अच्छे से, ये देखिए ढक्कन उतारेंगे हम इसका, चम्मच हिलाएंगे, टमाटर भी हमारा गल रहा है इसके अंदर, देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, अभी ये हमारा टमाटर भी गल चुका है, थोड़ी सी कसर बकाया है, ये देखिए रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसे ट्राई करना मत भूलिएगा। ये हमारी दही है, चम्मच हिलाएंगे, आधा कटोरा के करीब हमारी दही थी, अच्छे से चम्मच हिलाते जाएंगे, जब टमाटर हमारा गल जाएगा तभी हम दही डालेंगे दोस्तों। ये देखिए चम्मच से मैंने मिक्स किया,
ढक्कन दे के रख देंगे, इस कुछ देर के लिए हम पकाएंगे। ये देखिए हमारा दही अच्छे से मिक्स हो रहा है और पानी भी थोड़ा खुश्क होना लग जाएगा। ये देखिए आप, और जो हमारा चना था एक पाव के करीब उबला हुआ, वो हमने डाल दिया इसके अंदर। मिक्स करेंगे अच्छे से, कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे हम ताकि थोड़ा पानी और जज्ब हो जाए इसके अंदर, वो थोड़ा पक जाए। ये देखिए दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और ट्राई भी करना किसी दिन से बनाकर देखिएगा आप। और ये था हमारा पानी चने का, जो हमने चने उबाला था उसका पानी था, वो हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, इसी में ही जायका होता है वो ज़बरदस्त। ये हम डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए, उम्मीद है कि आपको मेरी बातों को सही समझ आ रही होगी। अगर मुश्किल हो या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। तो जी ये देखिए सालन पकना शुरू हो गया, उबाले आना शुरू हो गए हैं। चम्मच चलाएंगे अच्छे से, फ्लेम नॉर्मल रखिएगा, तेज ना होनी चाहिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ये हमने डाल दी हरी मिर्ची 3 अदद, धनिया भी डाल दिया। चम्मच चलाएंगे, कुछ देर ढककर रख देंगे। ये देखिए हमारा सालन तैयार हो रहा है। चने डालने के बाद हमने सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि चने भी गले हुए थे, चिकन भी तकरीबन गल चुकी थी, हमने सिर्फ जो कच्चा पंदा सालन का वो ख़त्म करना था। तो जी ये देखिए हमारा सालन तैयार है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना। तो जी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।